दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। देखिए मैंने ये डोरी बनाई है और देखिए ये ब्लाउज मैंने कट कर लिया है। आपको साइज बता देती हूँ, देखिए मैंने 32 साइज का बनाया, 10 इंच लिया है। लंबाई आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। मैंने 13.5 इंच लिया है, शोल्डर 6 इंच लिए, मुड्डे 6 इंच लिए। मैंने लाइनिंग और ब्लाउज दोनों कट कर लिया है। तो पहले डिजाइन हम लाइनिंग पे कट कर लेते हैं, उसके बाद ब्लाउज पे। तो देखिए इसमें मैं डोरी नहीं डाल रही हूँ, इसीलिए शोल्डर से हम कम लेंगे, 2 इंच ही ले रहे हैं। नीचे इसका ब्रॉड कर देंगे और आप लेंथ अपने साइज के अनुसार रख सकते हैं। ये डिजाइन आप कम में भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने ये 10 इंच लिया है और इस तरह से बॉक्स बना लिया है, लेकिन मैं नीचे से इसको ब्रॉड करूंगी। अगर आप नीचे से ब्रॉड करते हैं तो आपका शोल्डर से गिरता नहीं है ब्लाउज, अगर आप शोल्डर से ब्रॉड करेंगे तो शोल्डर से गिरता है। तो देखिए अभी हम इसमें डिजाइन ड्रॉ कर देते हैं। शोल्डर से सेम रखेंगे और इसको नीचे आके ब्रॉड कर देंगे। और देखिए इसकी इस तरह से थोड़ी सी हाफ इंच नीचे की तरफ शेप चली जाएगी और सेम डार्ट फेस को कट कर देंगे। इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास नेक पट्टी कट कर लेते हैं। देखिए कैनवास को इस तरह से फोल्ड कर लें और मैंने सेम ड्राफ्ट कैनवास के ऊपर रख दिया है। और इसकी चौड़ाई हम 1 इंच लेंगे और जो कपड़ा कट करेंगे उसकी चौड़ाई 1.5 इंच। तो देखिए मैंने ये कैनवास कट कर लिया और इसी ड्राफ्ट को रख के मैंने कपड़ा भी कट कर लिया। जैसे हमारा कपड़ा लंबाई में कम है तो यहाँ पे हम पीस ज्वाइंट कर लेंगे। और देखिए अभी आपको स्टिच का तरीका बताती हूँ। तो इस तरह से जब हम ज्वाइंट कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से सेट करेंगे जो पॉइंट है हमारा, और यहाँ पर सेट करते हुए और इसको हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर इसको हम नेक में अटैच करेंगे। तो देखिए ब्लाउज को सेट करने का तरीका बता रहा हूँ। नीचे मैंने उल्टा ब्लाउज रख लिया है, इसके ऊपर लाइनिंग रख लिया है और सेम जो हमारा ये नेक का ड्राफ्ट है इसमें और लेके नीचे पूरा इसको स्टिच कर देंगे तो ये लाइनिंग के साथ सेट हो जाएगा और फिर नेक को कट कर देंगे और जो हमने पट्टी तैयार करेंगे इसको अटैच करेंगे और फिर जो डोरी बनाई है इससे हम डिजाइन देंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है। नीचे नॉर्मल प्लेट डालते हैं वैसे प्लेट डालती है। अभी नेक को कट कर देते हैं। तो देखिए मैंने नेक कट कर दिया है और देखिए जैसे मैंने ये पट्टी और कैनवास लिया था जैसे मैंने बताया था वैसे इसको स्टिच कर लिया है। और अभी हम नेक में इस तरह से इसको स्टिच डाल के रेडी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटर में हम यहाँ पे इस तरह से कट दे देते हैं जिससे कि पलटने में हमको आसानी रहे। इसके बाद अभी हम इसको किनारे पर स्टिच डाल के इसको रेडी कर देते हैं। तो देखिए मैंने नेक की फिनिशिंग दे दी है और नीचे भी कपड़ा लगा के इसको फिनिशिंग दे दी है और अंदर में तुरपाई कर दूंगी। अभी जो हमने ये पट्टियाँ बनाई थी अब इससे हम डिजाइन डालेंगे। तो क्या करेंगे, एक लाइन हमारी यहाँ से इस तरह से नेक में आएगी किनारे पर, तो ये सेंटर पार्ट तक आएगी और फिर हाफ इंच हम गैप छोड़ देंगे यहाँ पर और उसके बाद फिर हम दूसरा पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए एक हमारी इस तरह से आएगी जैसे मैंने बताया किनारे पे, फिर जो दूसरी आएगी वो यहाँ से जाएगी, फिर तीसरी। तो इस तरह से मैं 3 लाइन इसमें अटैच करूँगी। अब यहाँ से हम इसकी टर्निंग ले लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा इसको आगे लेके और गुलाई में इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ तक जो हमने पॉइंट दिया है यहाँ तक हमने कट कर लिया है और इसको यहीं पे इसकी फिनिशिंग दे देंगे इस तरह से।
और सेम अपडेट पे सेकंड स्टिच डाल देते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया स्टिच, अभी देखिए जो दूसरी लाइन आएगी इस तरह से हमने गैप छोड़ देंगे इसमें, और इसको हम यहाँ तक लेके जाएंगे इससे 1 इंच आगे, और फिर यहीं से हम इसको डोरी को टर्निंग ले लेंगे। तो देखिए इसी तरह से इसको मैं यहाँ पे स्टिच कर दूंगी, और फिर लास्ट में एक डोरी लाके जैसे मैंने यहाँ पे लिया सेंटर में, सेम यहाँ पे क्लोज कर दूंगी। तो देखिए ये जो मैंने पट्टी लगाई थी, तो देखिए एक मैंने यहाँ तक लगाई थी, दूसरी मैंने यहाँ से यहीं से वापस टर्न ले लिया था, और देखिए चौथी मैंने ये लगाई है। और देखिए मैंने कपड़े के बटन लिए, जो हमारा ब्लाउज है उसी तरह का प्रिंटेड कपड़ा ही है, तो इन बटनों को हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सा ब्लाउज बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।